नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज निर्मल बंग की। फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है ये। देखेंगे इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, खर्चे कितने हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, मार्जिन कितना देते हैं। इसके अलावा देखेंगे कस्टमर सपोर्ट कैसा है, कंप्लेंट परसेंटेज कैसी रही हैं, काफ़ी एरियाज़ पे नज़र डालेंगे और देखेंगे कि आपके लिए ब्रोकर सही है या नहीं। जहां तक बात है बैकग्राउंड की, ये कंपनी मुंबई बेस्ड है, 1986 में एस्टेब्लिश हुई थी। आज की तारीख में करीब 96,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं। एट द सेम टाइम 2,000 लोकेशंस में 360 शहरों में इनकी मौजूदगी है, सब ब्रोकर्स फ्रेंचाइज के थ्रू। NSE, BSE, MCX, MCX, SX और NCDEX के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो बैकग्राउंड के हिसाब से काफ़ी रिच वहाँ पे दिखती है और ट्रस्ट फैक्टर इनडायरेक्टली बन जाता है। ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की रेंज भी बढ़िया है। अगर आप इनके साथ खाता खोलते हैं तो आप इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, करेंसी ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, IPO, मार्जिन फंडिंग, एल्गो ट्रेडिंग, इन सब में निवेश कर सकते हैं। कहीं और आपको खाता खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। निर्मल बंग के ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के ज़रिए ही आप अपने निवेश की नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक सर्टेन लेवल पे पॉजिटिव दिखता है इस ब्रोकर के लिए। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या आपका परफॉर्मेंस है, UX है, UI है, काफ़ी एरियाज़ होते हैं जिन पे नज़र डालनी होती है। जहाँ तक बात है निर्मल बंग की, ये आपको 3-4 रेंज देते हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डिन डाइट है आपके पास, मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फ़ंड मैनेजमेंट, विड्रॉल्स काफ़ी इजी है, पेमेंट गेटवेज मिलते हैं, रियल टाइम कोड्स मिलते हैं। इस सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा और आप इसके यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेबल है। इसके अलावा आप डायरेक्टली वेब के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। ऑडिन TWS मिलता है आपको, इसमें आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ब्राउज़र के थ्रू आप इंस्टॉल करें और डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइटवेट एप्लीकेशन है, मल्टीपल वॉच लिस्ट मिलेंगे आपको, हीट मैप और चार्टिंग टूल्स भी मिलते हैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस को पूरा करने के लिए। तो सर्टेनली ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। वेल, रेंज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं NB बियॉन्ड, निर्मल बंग बियॉन्ड डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फीचर्स। हालांकि कुछ एरियाज हैं जहां पे इस पे भी इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। वेल, UI अच्छा है इसको, आप अगर आप नए निवेशक हैं, इंटरमीडिएट हैं, तो आपको मुश्किल नहीं होगी इसकी फीचर्स को समझने में। मार्केट वॉच मिलता है, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं 25 से ज़्यादा बैंक्स के साथ, लाइव मार्केट रिपोर्ट्स, इंट्राडे चार्ट्स भी मिलते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आपको। तो काफ़ी एग्जॉस्टिव एप्लीकेशन है और सर्टेनली इसका इस्तेमाल आप अपने निवेश के लिए कर सकते हैं। मूविंग अहेड, इसमें आपको एल्गो ट्रेडिंग का प्रोविज़न भी मिलता है। एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ को कलेक्ट कर रहा है, उसको स्ट्रेटजीज में बिल्ड कर रहा है इनके REST API के थ्रू। देन आप अपनी स्ट्रेटजी को लाइव लाइक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद कुछ भी फाइन ट्यूनिंग अगर आपको करनी है, फाइन ट्यून करके रीटेस्ट करें और फाइनली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा कि निर्मल बंग काफ़ी आपको रेंज देता है और समय के साथ चलने वाला ब्रोकर दिखता है एल्गो ट्रेडिंग के इंट्रोडक्शन के साथ। खर्चों की बात करें अगर, तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको मुफ्त मिल सकता है। हालांकि इसके लिए आपको 5,000 रुपये का इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना होगा, लेकिन आपको मिलता है फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 5,00,000 का और फ्री एक्सीडेंटल मेडिक्लेम भी 50,000 रुपये तक के लिए। इसके अलावा डीमैट AMC आपको 200 रुपया पर एनम लगेगी। हालांकि पूरे लाइफ टाइम के लिए आप 1,000 रुपये दे के इसको फ्री भी कर सकते हैं। तो अकाउंट लेवल चार्जेस आपके सामने हैं, इट रियली डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ ब्रोकर यू वांट। देन ब्रोकरेज चार्जेस, फुल सर्विस ब्रोकर है तो परसेंटेज लेवल पे ही ब्रोकरेज चार्ज करेगा। इक्विटी डिलीवरी में 0.2%, इंट्राडे में 0.02%, फ्यूचर्स में भी वही परसेंटेज, इक्विटी ऑप्शंस में 30 रुपये प्रति लॉट, प्रिटी नॉमिनल। करेंसी फ्यूचर्स 0.1, करेंसी ऑप्शंस में भी 10 रुपये प्रति लॉट मिलेगा और सिमिलर लेवल की ब्रोकरेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हालांकि परसेंटेज है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, बट एट द सेम टाइम इट्स प्रिटी नॉर्मल इन अ सेंस। बट डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ब्रोकरेज थोड़ी ज़्यादा लगेगी। मार्जिन की बात करें अगर, अब मार्जिन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, वेल उस पर्टिकुलर सेंस में
कैश सेगमेंट आपको डिलीवरी में 3 गुना मार्जिन मिलेगा निर्मल बैंक के द्वारा, इंटरनेट में 10 गुना मिलता है, हालांकि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्यूचर ऑप्शंस में 20 गुना, करेंसी सेगमेंट्स में भी 20 गुना और कमोडिटी में आप 5 गुना एक्सपोजर मार्जिन ले सकते हैं। ये एक एवरेज सॉर्ट ऑफ नंबर्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स लाया जा सकता है। कस्टमर सपोर्ट एक फुल सर्विस ब्रोकर की डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होती है, इसके केस में भी कुछ ऐसा दिखता है। वेल, जहाँ तक बात है कम्युनिकेशन चैनल्स की, आप ईमेल के थ्रू इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनको फ़ोन कर सकते हैं, जैसे पहले बताया ऑफलाइन ब्रांचेस का वो आप यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन कॉल द रीजनल ब्रांच ऑफिस एज वेल, वेब फॉर्म है इनकी वेबसाइट पर जाके उसको एक्सेस किया जा सकता है, और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक वाइड रेंज मिलती है, इन टर्म्स ऑफ टर्न अराउंड टाइम थोड़ी सी बेहतर डाल जा सकती है, लेकिन फिर भी एवरेज से बेहतर आंका जा सकता है जहाँ तक कस्टमर सपोर्ट की बात है निर्मल बैंक की। तो यहाँ पे एक अच्छा फैक्टर ये ब्रोकर के लिए बन के आता है। कंप्लेंट्स कितनी हैं इसके खिलाफ, पिछले 3-4 साल का अगर हम ब्यौरा देखें, हर ब्रोकर रिव्यू में देखते हैं, तो अगर आप निर्मल बैंक की बात करें तो इंडस्ट्री एवरेज के साथ इसको कंपेयर करेंगे, 16-17 में 0.06% था इंडस्ट्री एवरेज, 0.12% था निर्मल बैंक का, वहीं पे 17-18 में ऑलमोस्ट बेहतर हुआ इनफैक्ट। देन मूविंग एट 0.06 था 18-19 में, 0.09 था निर्मल बैंक का, एंड देन 19-20 में मोर लेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ चलता आ रहा है। अब आपको क्या करना है, निर्मल बैंक के साथ खाता खोलना चाहिए या नहीं? वेल, आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखने हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है। सिंपल पॉजिटिव्स, ब्रांड इक्विटी अच्छी है, ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली किया जा सकता है, वाइड ऑफलाइन प्रेजेंस है, रिसर्च की क्वालिटी बढ़िया है, अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल सकता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस और रेंज भी बढ़िया है, मार्जिन की वैल्यू थोड़ी एवरेज है, ब्रोकरेज को आप अगर डिस्काउंट ब्रोकर से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फ्रॉम अ जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ रिकमेंडेबल सॉर्ट ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर, एंड डेफिनेटली यू कैन ओपन एन अकाउंट विद देम। फुल रिव्यू अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट पर जाएं, digitalbroker.com, हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद है आपके रिव्यू के लिए। ब्रोकर सजेशन, हमसे कुछ चाहते हैं मदद ब्रोकर के लिए, तो /free stock broker suggestion पर जाइए, अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए कॉल बैक अरेंज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।